नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे यार। तो भाई आज मैं फिर से आदूर आपके सामने एक नया वीडियो लेके। तो भाई आज हम बात करेंगे यार माइनक्राफ्ट के बारे में। तो माइनक्राफ्ट की हमने तीन सीरीज शुरू कर रखी है भाई, पहले एक थी अब तीन हो गई है। हाँ तो भाई तीन सीरीज शुरू कर रखी है, जिसका मतलब सबसे पहली सीरीज का नाम है एवरीथिंग अबाउट माइनक्राफ्ट। तो इस सीरीज के 100 से ज़्यादा वीडियो अब तक हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो यार आप अगर उनको देखोगे ना आपको ज़रूर पसंद आएंगे। सारे के सारे वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे और वीडियो को देखने से क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी माइनक्राफ्ट के बारे में। अगर आप माइनक्राफ्ट को प्ले करते हो तो वीडियोस को देखने के बाद आप माइनक्राफ्ट को और भी अच्छे तरीके से प्ले कर पाओगे। तो दूसरी सीरीज है भाई स्काई ब्लॉक की। तो स्काई ब्लॉक किस तरह से खेलते हैं स्काई ब्लॉक में, उसके बारे में मैंने आप सभी को थोड़ा बहुत बताया है अभी तक। अगर आप सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और तीसरी भाई कमांड्स ब्लॉक की, तो यही है कमांड्स ब्लॉक की मैंने अभी तक एक ही वीडियो बनाया है, तो काफ़ी अच्छा वीडियो है। अगर आप कमांड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो उस वाले वीडियो को ज़रूर देखना कमांड्स के बारे में जानने के लिए। तो शुरुआत ही थोड़े बहुत कमांड्स मैंने आप सभी को बताए हैं, तो वीडियोज़ को देख लेना, काफ़ी अच्छा वीडियो यार है ना। तो भाई बात करो आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो के टाइटल और थंबनेल आप सभी ने देखा होगा। तो भाई आज का वीडियो भी ये वाला वीडियो ना ये भी आरएल क्राफ्ट के बारे में होने वाला है। तो आप सभी को पता होगा, अगर इसको नहीं पता तो मैं पहले ही बता दूं भाई, आरएल क्राफ्ट में मैंने एक पहले वीडियो बनाया है। तो मैंने उसमें बताया कि जो मोबाइल या फिर एंड्रॉयड में आरएल क्राफ्ट को किस तरह से डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करें आरएल क्राफ्ट है क्या, तो भाई आरएल क्राफ्ट यानी रियल लाइफ क्राफ्ट। तो उसमें जो माइनक्राफ्ट है ना उसमें चीज़ें कुछ इस तरह की होती है जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं ना। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, हमें गर्मी महसूस होती है हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, जब हम ठंड में यानी कूल जैसी जगहों पे जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो घटता है यानी हमको ठंड लगती है। तो जो रियल लाइफ क्राफ्ट है ना उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है। तो ये भाई पीसी के लिए बेसिकली ये आरएल क्राफ्ट है ना वो पीसी के लिए है। तो अगर आपके पास पीसी है तो उसके उस पर ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको पीसी में किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं वो नहीं पता तो मैं मैं नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं आप सभी को बता दूंगा उसके बारे में। लेकिन यार अब जो ये वाला वीडियो है इसमें तो हम बात करेंगे कि मोबाइल में आरएल क्राफ्ट को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो इसी की जो कड़ी है ना इसमें मैंने आप सभी से बात की थी एक पुराने वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि जो आरएल क्राफ्ट है ना भाई उसको किस तरह से मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मैंने बताया था उस वाले वीडियो में। तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं वीडियो पे, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है यार सभी को कि जो वो वाला आरएल क्राफ्ट है ना वो पीसी के जैसा नहीं है। तो भाई आप अपने दिमाग खुद लगाओ कि जो ये मोबाइल वाला आरएल क्राफ्ट है ना आपको पीसी के जैसे सेम टू सेम तो मिल नहीं सकता, क्योंकि जो पीसी वाला आरएल क्राफ्ट है ना उसकी साइज़ और उसका ग्राफिक्स लेवल काफ़ी ऊँचा है, जो आप एक मोबाइल में फेस नहीं कर सकते वो एक पीसी में ही हो सकता है। उसके लिए हाईली प्रोसेसर चाहिए जो मोबाइल में नहीं होता है वो पीसी में ही होता है, और वो सिर्फ जावा एडिशन के लिए है, बेडरॉक एडिशन के लिए है, वो एक पॉकेट एडिशन के लिए नहीं है, अभी तक अवेलेबल नहीं है भाई जो आरएल क्राफ्ट है ना। तो मतलब वो जो पीसी वाला आरएल क्राफ्ट है ना उसको तो हम मोबाइल में इंस्टॉल कर ही नहीं सकते, ये अब बात मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूँ। लेकिन और भी आरएल क्राफ्ट हैं, काफ़ी सारे हैं आरएल क्राफ्ट, तो मैं ढूंढ ढूंढ के लाता रहता हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो आज भी एक जो आरएल क्राफ्ट 2 है ना, आरएल क्राफ्ट 2 नाम का एक आरएल क्राफ्ट है, वो मैंने आज सभी के इस वीडियो में आज उसी के बारे में बात करने वाला है। तो मैंने जो पहले वीडियो बनाया था वो भी आरएल क्राफ्ट के बारे में ही था, और मैंने आरएल क्राफ्ट को किस तरह से प्ले करते हैं ये तो नहीं बताया, लेकिन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये सभी उस वाले वीडियो में बताया। तो वो जो काफ़ी अच्छा आरएल क्राफ्ट है, लेकिन मतलब जो पीसी है ना ऐसा तो नहीं है यार, लेकिन जो आज आरएल क्राफ्ट दिखा बताऊंगा आप सभी को वो पिछले वाले से काफ़ी अच्छा है और ये वाला काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो भाई जो पिछले वीडियो से निराश थे, अगर मतलब आपको पिछला वीडियो अगर पसंद नहीं आया है तो आप सभी बोल रहे थे कि यार जो आरएल क्राफ्ट है ना इतना अच्छा नहीं है, तो आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो आरएल क्राफ्ट है ना वो भी आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि ये उससे एडवांस है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा क्या भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो और तो क्या बताऊँ, आज इसी के बारे में बात करेंगे, उसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ये दिखता कैसा है। तो मेरे को नीचे कमेंट जरूर कर देना कि यार जो मैं आज आरएल क्राफ्ट दिखाऊंगा उसकी क्या हमें सीरीज़ भी शुरू करनी चाहिए, ये वाला कमेंट जरूर कर देना भाई ना। हाँ कर देना, अगर आप सभी को आरएल क्राफ्ट की सीरीज चाहिए ना, तो ये वाला आरएल क्राफ्ट इसकी सीरीज चाहिए।
और जो आर एल क्राफ्टन है उसके बारे में मैंने जो मैं नई नई आर एल क्राफ्टन उसको खोजता रहता हूँ और आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। बेडरॉक या फिर जावा में नई, पीसी में नई, एंड्रॉयड यानी मोबाइल के लिए, तो वो तो अब सभी को पता होगा क्या है ना। जो पीसी वाला है ना वो तो है भाई शानदार, उसके तो बात ही क्या कहनी। हम बात करते हैं मोबाइल की यानी एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में किस तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं। तो जो फाइल है आर एल क्राफ्ट की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं दिखा देता हूँ उसको इंस्टॉल किस तरह से करते हैं। लेकिन जो मैंने यार पुराना वीडियो बनाया उसमें बताया था कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, लेकिन क्या जाता है एक बार फिर से बता देता हूँ। तो दिखा देता हूँ उसको इंस्टॉल किस तरह से करते हैं। तो यार मैं जाने वाला हूँ मेरी फाइल मैनेजर में, क्योंकि फाइल मैनेजर में मेरे को वो वाला जो है ना जो मेरा जो फाइल है ना वो फाइल मैनेजर में मेरे को मिलेगी। तो अब मैं जाने वाला हूँ मेरी फाइल मैनेजर में। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ मेरी फाइल मैनेजर में, और ये फ़ोन का फाइल मैनेजर नहीं है, मैंने इसको डाउनलोड किया था। तो आप करना चाहते हो ना तो कर सकते हो भाई, ये ई एस फाइल एक्सप्लोरर ऐप है और काफ़ी अच्छा ऐप है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रख रखी जो मैं थंबनेल बनाने में यूज़ करता हूँ, वो वाली चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ से ये रहा आर एल क्राफ्ट टू, आप देख सकते हो जो आर एल वी टू क्राफ्ट कुछ ये है, तो ये काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको थोड़ी देर प्ले किया था और मेरे को काफ़ी मज़ा आया उसको खेलने में। तो मैंने सोचा यार आप सभी को इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फाइल में जाना है, इस पर एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ से माइनक्राफ्ट का सेक्शन खुल जाएगा, अब इसलिए बस माइनक्राफ्ट में क्लिक करना है और आप माइनक्राफ्ट में पहुँच जाओगे। तो उसके बाद क्या करना है मैं अब बताता हूँ आप सभी को आगे। तो आप देख सकते हो मैं माइनक्राफ्ट में आ गया हूँ, लेकिन मैंने इसको जैसे ही वहाँ से ओपन किया ना तो ये मेरे को डुप्लीकेट फाइल दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है भाई? इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये मेरे पास माइनक्राफ्ट में पहले से ही है, इसलिए मेरे को ये डुप्लीकेट फाइल दिखा रहा है। आपको नहीं दिखाएगा अगर आपने पहली बार इसको डाउनलोड किया है और यहाँ पे इंपोर्ट किया है ना जो माइनक्राफ्ट में, तो आपको नहीं दिखाएगा, बेसिकली ये नहीं दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, प्ले बटन पे आपको क्लिक करना है और आप एक नया मैप बना सकते हो, यहाँ से एक नया मैप क्रिएट कर सकते हो आप अगर आपको करना है। और नहीं करना है तो आप जो पुराने आपके मैप है ना उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ से मेरा मैप बना रखा है, तो ये बेसिकली जो मेरा रेसिंग अवतार वाला मैप है ना, इसमें जो ये मैन मैप है यार। तो अगर मैंने जो टेस्ट के लिए देखो टेस्ट आर एल क्राफ्ट में लिख रखा है ये बनाया था, इसका नीचे वाला देखो आर एल क्राफ्ट है, तो मैंने इसको थोड़ी देर प्ले किया था। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक करना है आप सभी को, फिर है ना जो हमारी मैप है ना इसकी सेटिंग खुल जाएगी, यहाँ से इसकी सेटिंग खुल जाएगी। फिर आपको नीचे जाना है, देखो यहाँ से रिसोर्स पैक्स और बिहेवियर पैक्स लिखा हुआ है। तो पहले हम रिसोर्स पैक को खोलेंगे और यहाँ से देखो एक्टिव पैक्स में देखो यहाँ से ग्लोबल रिसोर्स, तो ये होता है सभी में, इसकी बिना कैसे चलेगा ना। तो उसके बाद एक्टिव माई पैक्स में देखो यहाँ से बहुत सारे हैं, तो मैंने यहाँ से बहुत सारे कर रखे हैं, तो आप इनको एक्टिव कर सकते हो। देखो बीटा रिमूवर है एक, तो इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया है। और दूसरा है भाई देखो ये रहा भाई रिसोर्स आर एल क्राफ्ट टू माइनक्राफ्ट पैकेज है ना, इसको आपको एक्टिव करना है यहाँ से। देखो आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको बिहेवियर पैक्स में जाना है, यहाँ से देखो यहाँ से एक्टिव पैक्स में और माई पैक्स में जाना है, यहाँ से बिहेवियर जो पैक है ना आपको इसको आर एल क्राफ्ट वाला ने इसको यहाँ से एक्टिव कर देना है। तो देखो अचीवमेंट ओनली बी अवेलेबल इन द वर्ल्ड सेट द सर्वाइवल मोड विल चेस्ट ऑफ, तो ये इसमें अचीवमेंट ऑफ हो जाएगी क्योंकि जो ये ना जो क्रिएटिव है ना उसमें भी काम करता है, इसलिए हो जाती है यार। तो आपको इसको बेसिकली कंटिन्यू करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, और आपको और क्या करना, बस आपको प्ले बटन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। देखो लिखा हुआ है सेविंग वर्ल्ड रिसोर्स पैक्स, तो इसे पैक्स थोड़ा बहुत सेव होगा। अगर आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये थोड़ी देर में हो जाता है, अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो आप माइनक्राफ्ट को जो क्लोज नहीं करना है, आपको इसको पूरा होने देना है, तभी आपका जो आर एल क्राफ्ट है ना वो ओपन होगा। तो इसको मैं होने देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ यार। तो भाई आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ आर एल क्राफ्ट में। तो ये आर एल क्राफ्ट है भाई, देखो देखो इसमें मकड़ी किस तरीके दिखती है यार। तो देखो ये क्रिपर है फटेगा, तो ये नॉर्मल भी है और देखो 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 भाई फट जा क्या कर रहा है। तो वो फटा नहीं, देखो देखो यहाँ पे नॉर्मल से काऊ है, नॉर्मल जो है ना। तो आप देखो देखो मैं किसी भी चीज़ को तोड़ूंगा पहले, देखो मान लो मैं यहाँ से डेड तोड़ता हूँ, तो देखो मैं डेड को ऐसे ले नहीं सकता। देखो देखो डर्ट सिर्फ नीचे गिरी हुई है, आप देख सकते हो।
आप इसमें ऐसे नहीं ले सकते इसको, आपको जो है ना भाई क्राउच होना होगा इसको लेने के लिए। देखो क्राउच होने के बाद आप इसको ले सकते हो, तो ये इसका नियम है, थोड़े बहुत इसके नियम है, आप सभी को इसको थोड़ा बहुत जानना होगा सबसे पहले, तभी आप इसका मज़ा ले सकते हो भाई। अब देखो जो मेरा नीचे वाटर लेवल है ना वो थोड़ा कम हो गया है, जैसे अब मैं पानी में डुबकी लगाऊंगा देखो ये पूरा वापस भर गया, आपको इस तरह से इसको पूरा कर सकते हो। और ऊपर जो हमारी हेल्थ है ना वो डबल है, इसमें देखो डबल डबल हेल्थ आ रही हुई है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। तो ये आर्ल क्राफ्टर ये उससे काफ़ी अच्छा है, ये पहले ही बता दूँ आप सभी को। आप सोच रहे होंगे यार ये भी वैसा ही होगा, लेकिन ये वैसा नहीं है और उससे ये काफ़ी अच्छा है। देखो इसमें तरह तरह की, देखो देखो भाई कैसा पिघल देखो, लेकिन हमें ये डैमेज करता है, देखो मेरे को ये डैमेज करेगा अभी, तो इससे बच के रहना होगा हमें। तो बस इसमें यही है, और इसमें काफ़ी मज़ा आता है भाई, जो नाइट होता है ना जो, तब ज़्यादा मज़ा आता है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि तरह तरह के डायनासोर पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कैसे ड्रैगन कैसे निकल के निकल के आते हैं, इसमें इतने सारे मॉब्स हैं। तो मैं भी ट्राई करके दिखा दूँ आप सभी को मॉब्स इसमें कौन कौन से हैं, तो मैं सेटिंग जाता हूँ क्रिएटिव ऑन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप सभी को इसमें कौन से मॉब्स हैं ना। तो यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ, तो भाई इसमें बहुत सारे मॉब्स हैं, आप देखना भाई कितने सारे आप सभी को इसमें मॉब्स मिलेंगे। तो देखो मैंने यहाँ से क्रिएटिव ऑन कर लिया है, अब मैं जाऊंगा इसमें, तो यहाँ से एक्स देखने मेरे को, यहाँ से मैं एक्स देख सकता हूँ। देखो देखो भाई कितने कितने एग यार, जो आप नॉर्मल माइनक्राफ्ट खेलते हो ना उसमें इतने सारे एग्स ही कहाँ होते हैं, आपको पता होगा शायद। तो देखो इसमें कितने एग, देखो ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो देखो मैं थोड़े बहुत कोड ट्राई करता हूँ यार ना, देखो ये थोड़े अजीब अजीब बने, इनको मैं ट्राई करता हूँ। तो बहुत तरह तरह के यार, देखो आप खुद देख सकते हो, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है इतने सारे एक से। देखो तो देखो ये क्या है भाई अजीब, अभी क्या है, देखो अभी इसको ट्राई करते हैं। देखो ये कुछ कुछ ऐसी चिकन है, और देखो भाई किस तरह की मकड़ी है कमाल की। तो ये रियल में जो सर्वाइवल मोड है ना इसमें भी ये मिलती है हमें, तो ये देखो ऐसी काऊ है, अजीब सी काऊ है, तो ये क्या है। हाँ देखो ये क्या है भाई, देखो अजीब है कुछ जो भी है, मेरे को नहीं पता अभी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम इनको जानेंगे। देखो ये सब मॉब्स है यार, तो अजीब अजीब सारे मॉब्स है इसमें, तो अजीब अजीब ड्रैगन है, तो मैं ड्रैगन को एक बार सर्च तो मैं देख लेता हूँ एक बार। देखो इसमें कहाँ से मेरे को ड्रैगन मिलेगा, तो ड्रैगन ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए है, हमें यहीं पे मिलना चाहिए। तो भाई देखो कितने एग्स है, मैं देखे जा रहा हूँ, ये ख़त्म ही नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये तो भाई मैं सिर्फ जो क्रिएटिव है ना उसको ऑन करके दिखा रहा हूँ आप सभी को, अगर इसको ऑन ना करें ना तो भी ये रियल में होते हैं, इसमें मतलब सर्वाइवल है ना उसमें भी आप सभी को ये मिल जाएगा। देखो कितने एग, मतलब एग्स का मतलब ये मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जो इतने सारे मॉब्स है ना हमें ये सर्वाइवल मोड में भी मिलेंगे यार, तो इनका आप सभी ध्यान रखना। देखो मैंने फिर से एक ट्राई किया है, तो देखो ये क्या है भाई, अब ये क्या है भाई, देखो किस तरह की मकड़ी है ये, देखो कमाल भाई ये तो, ये मस्त भाई, ये सबसे बढ़िया लगी मेरे को, तो ये तो वैसी है। तो देखो भाई ये क्या, किस तरह का ड्रैगन है यार, आप खुद देख सकते हो, तो ये रियल में आप सभी को मिलेगा, तो आप सभी को कैसा लगेगा यार, देखो भाई क्या है कमाल है यार, तो कितना शानदार है यार, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। देखो ये क्या है भाई, तो देखो ये किस तरह का, ये क्या है भाई, देखो किस तरह का डायनासोर है, और काफ़ी अच्छा है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया यार ये वाला। तो ये देखो ये क्या है भाई, देखो कीड़ा यार, ये कीड़ा देखो कीड़ा ये, तो जो आर्ल क्राफ्ट में होता है ना कीड़े, वैसे ही कीड़े ये। देखो ये तो इतने सारे एक्स ट्राई कर लिए, अब और भी एक्स को देख लेते हैं यार। तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके ट्राई करता हूँ, और एक्स को देखो कितने सारे भाई, 800, ये क्या है, ये संख्या आ रही है फिर ऐसे लिख रखा है। तो देखते हैं एक बार और कौन कौन से एग हमें मिलते हैं भाई, भाई आप खुद देख सकते हो, तो ये रियल में मिलेंगे ना तो कमाल आएगा भाई, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें, तो ज़रूर के प्ले जरूर प्ले करना यार, मैं कह रहा हूँ ना एक बार आप सभी को इसके लिए, जिसको ज़रूर प्ले करना। तो फिर से मैंने एक्स ले लिया और फिर से स्पॉन करने वाला हूँ मैं इन सबको। देखो ये इनको क्या हो गया, लेकिन ये एक्स क्योंकि ऐसे ही क्यों रह गए, देखो अब उड़ जाओ क्या कर रहे हो। हाँ तो देखो इनको फिर से स्पॉन करते हैं, तो ये देखो अजीब सी मकड़ी है,
तो ये बहुत खतरनाक है यार। देखो ये चिकन है अजीब सी, तो ये क्या है? देखो भाई किस तरह की मकड़ी है। तो ये क्या है? तो भाई ये क्या है? देखो क्या कमाल है यार। तो ये क्या है? ये चलता भी है क्या यार? क्या ही अजीब सा। तो ये मोब से, सबके सब मोब से यार। तो भाई ये देखो मकड़ी, देखो आप तो, ये कौन बैठा है इसके ऊपर? जो जो नेदर का बॉडी गार्ड है ना, वो बैठा है इसके ऊपर। तो देखो यार क्या है, तो ये वाला क्या है? ये वाला अच्छा लगा मेरे को। तो ये मैंने ट्राई कर लिया पहले यार, है ना, तो फिर से थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है ट्राई करना, इसलिए मैं ट्राई करता ही जा रहा हूँ। तो ये तो नॉर्मल हमारे एंडरमैन, ये तो शल्कर, ये क्या है? तो देखते हैं इनमें और कौन से मजेदार में मोब्स मिलते हैं यार। तो मेरे को काफ़ी पसंद आया यार ये वाले मोब्स। आप अपनी आंखों से देख सकते हो यार कितने 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 शानदार मोब्स है इसमें। तो मैंने फिर से ट्राई कर रहा हूँ मैं। देखो ये तो नॉर्मली है, और ये क्या है? तो ये कहाँ चला गया? ये तो ये कहाँ चला भाई? ये मेरे ऊपर आ गया क्या? तो देखो आप, मैंने यहाँ पे इनकी पूरी फौज खड़ी कर दी है मोब्स की। आप खुद ही पंगा ले लेना इनसे, मैं क्या लूँ पंगा। तो तरह तरह के मोब्स है, देखो मैंने कितने सारे मोब्स यहाँ पे खड़े कर दिए हैं। तो ये तो भाई मेरे को मिल नहीं रहे, काफ़ी सारे मोब्स है ना, और भी जो एग्स है ना, वो मेरे को मिल नहीं रहे यार, बहुत सारे हैं। तो ये भी कमाल के हैं, आप खुद देख सकते हो अपनी आंखों से। तो ये आपको अगर सर्वाइवल मोड में मिलेंगे ना, तो आपको कितना मज़ा आने वाला है खेलने में, आप खुद सोच सकते हो। मतलब ये जो ड्रैगन है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँ आप सभी को। मतलब ये ना, तो देखो इसका कलर आप आंखों से देखो, ये आप सभी को थोड़ा बहुत ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये आइस का बना हुआ है? तो देखो आप इसको माउंट कर सकते हो, देखो मैं इसके ऊपर बैठ गया, तो आप इसको माउंट भी कर सकते हो। तो माउंट करने के लिए मेरे सेडल इसमें चाहिए होगी क्या? ये मेरे को नहीं पता अभी तक यार, मैं झूठ नहीं बोलता किसी से, मेरे को नहीं पता होते ना, तो मैं झूठ नहीं बोलता यार। तो मेरे को पता नहीं इसको माउंट किस तरह से करते हैं। ये देखो माउंट का ऑप्शन तो आ रहा है इसके ऊपर, देखो मैं जैसे पास ये, इसको तो मैंने कर लिया ना, तो इसको इस पर आएगा, तो इसको भी कर लिया क्या मैंने? हाँ तो अभी आया था ना, मैं इसके ऊपर ही बैठा था, आपसे देख सकते हो। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि इसका कलर देखो आप, ऐसा लग रहा है ना जैसे आइस का बना हुआ है। तो ये आइस का ड्रैगन है, जैसे आप डेजर्ट में जाओगे तो डेजर्ट में कुछ इस तरह का ड्रैगन आप सभी को मिलेगा, इस जैसे सैंड है ना इस कलर का। फिर ऐसे ही आप नेदर में जाओगे तो नेदर में कुछ अलग मिलेगा। तो ये आरएल क्राफ्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, ये आप सभी को पहले ही बता दूँ आप सभी को मैं। तो इसको ज़रूर के ज़रूर ट्राई करना भाई, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार होने वाला है। तो यही है आज का वीडियो यार, देखो मैंने आप सभी को कितना अच्छा आरएल क्राफ्ट दिया है। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना इसी मामले में, है ना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो, अगर पहले से कर दिया है तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई दी एंड करते हैं आज के वीडियो का। तो कोई कमेंट होना तो कमेंट जरूर करना नीचे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा ना। तो बाय बाय दोस्तों।